इसमें हम देते हैं पानी, इस तरीके से हम पानी इसमें दे दें। दोस्तों आप देख रहे हैं एलोवेरा का पौधा, और एलोवेरा का पौधा बरसात के समय में दोस्तों बहुत ही बेबी प्लांट आपको देता है। आप बरसात के समय में चाहेंगे तो इसे बहुत अनेकी पौधों आप बना सकते हैं। और दोस्तों हम इसके कई तरीके आपको बताएंगे पौधे बनाने के लिए। अगर एक पौधे से दोस्तों आप चाहेंगे तो बहुत ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में आप बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो लास्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखा दें जो पहला तरीका है एलोवेरा के पौधे के, जो बेबी प्लांट आपको दिखा दे रहे हैं, देख सकते हैं। आप देखिए जितने ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, ये सारे छोटे छोटे पौधे आपको ये बेबी प्लांट है। इसमें से बहुत ढेर सारा बेबी प्लांट आप चाहेंगे निकाल के और इसको ट्रांसप्लांट आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे हैं। आपको हम दिखा दें, देखिए इस तरीके के जितने पौधे हैं, इस तरीके के सभी पौधे को आप ये ट्रांसप्लांट ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए छोटा सा पौधा ये भी है, ये भी ग्रो हो जाएगा। दोस्तों अच्छी बात ये है कि अगर बरसात के मौसम में इसको आप जितना चाहेंगे उतना पौधा आप अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। देखिए तीन पौधे यहाँ भी ये रेडी हो गया, इस तरीके के देखिए पौधे ढेर सारे आपको ये मिल गए हैं। उसके बाद सभी हम इसमें से निकाल लें। देखिए कुछ इसमें भी बेबी प्लांट आपको दिखना है। दोस्तों इसकी पटिंग्स, इसकी जो कटिंग्स है, कटिंग से भी पौधे तैयार करते हैं, आपको हम वीडियो में बताएँगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप देख सकते हैं इतने बेबी प्लांट हम पौधे से निकाल दिया और इन सबको हम लगा देते हैं। और दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि जब ये पौधा मैं से हम बेबी प्लांट निकालते हैं, तो निकालने के बाद एक काम आपको ये करना है कि इस पौधे की अच्छी तरीके से आपको करना है गुड़ाई। गुड़ाई कर देंगे क्योंकि इसमें खाद देने की आपको ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत दोस्तों कि आप इसमें से कुछ निकालेंगे तो आपको इसमें देने की भी बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों इससे आपको एक बेनिफिट ये होता है कि जब इसका बेबी प्लांट आप निकाल देते हैं तो देखेंगे इसमें खाद आप दे देंगे, खाद देने के बाद देखेंगे पौधा ये बिल्कुल ही ये घना हो जाएगा। क्योंकि इसमें जब होता है क्या कि एक ही में एक करके ये घना हो चले जाता है, और जब बेबी प्लांट निकाल देते हैं तो बेबी प्लांट निकालने के बाद इसको और फैलने के लिए जगह मिल जाती है, और उस समय देखेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बूसी होना ये शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत प्लांट यहाँ पे बेबी प्लांट दे रखा है ये, और इसको सबको अभी हम निकाल देते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई मैंने कर दिया। गुड़ाई करने के बाद इसमें आपको करना क्या है कि इसमें आपको दोस्तों देना है एक खाद। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में ये खाद कौन सा है, ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, या आपके पास अगर बर्मी कंपोस्ट हो या लीप कंपोस्ट हो तो तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। सड़ी हुई गोबर खाद दोस्तों इसे बहुत पसंद आता है एलोवेरा को पौधे को। तो अब इस तरीके से आप इस तरीके से लेके आप चारों तरफ स्प्रिंकल कर दीजिए। और दोस्तों ये जो तरीका है, चाहे आप गमले में लगा रखें तो ज़मीन लगा रखें तो दोनों के लिए सेम ये नियम फॉलो होगा। इसी तरीके से आप छिड़काव कर दीजिए गोबर की खाद, और उसके बाद फिर इसको हल्के हल्के गुड़ाई करिए ताकि गोबर खाद मिट्टी में मिल जाए। और रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार भी इसमें आप दे दीजिए इसमें आप पानी। दोस्तों उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि एक काम अब ये भी करना है कि जैसे आप देख रहे हैं जितने इसमें ख़राब पत्तियाँ आपको मिलती हैं, सभी ख़राब पत्तियों करना क्या है दोस्तों कि आपको कट कर लेना है। जब दोस्तों आप कट कर लेंगे तो आपके लिए बढ़िया ये रहेगा कि ख़राब पत्तियों को लोग करते क्या हैं कि लोग कट करके फेंक देते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये हल्का का जो पीला दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से आप इसे कट करके अलग रख लीजिए, और इसको आपको फेंकना नहीं है। जितने भी पत्तियों पे दाग धब्बे हैं सबको अलग कर लीजिए, और अलग करने के बाद दोस्तों ये जो पत्तियाँ हैं ये आपके पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन काम आते हैं, फंगिसाइड के रूप में, पेस्ट के रूप में और इंसेक्ट के रूप में। दोस्तों इसका हम आई बटन पर लिंक दिए, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो, बहुत ही बेहतरीन आपके गार्डन में ये काम करता है। और इसको वेस्ट के रूप में कभी भी न फेंकिए दोस्तों। कभी भी जब पौधा हम गार्डनिंग से लेके आते हैं, जब शॉक अवस्था चला आता है, तो इसका पेस्ट अपने पौधे पर यूज करिए। पौधे को शॉक अवस्था में कभी भी नहीं जाने देगा, और यहाँ तक कि फर्टिलाइजर के रूप में भी इसको आप मिक्सर के जार में इसको कट करके पीस लीजिए। पीसने के बाद दोस्तों 1 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून इसकी लिक्विड को
लेके और सभी पौधे की मिट्टी में दे दीजिए। देखिए कि बहुत बेहतरीन ग्रोथ भी दिलाता है अपने पौधे को। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो एक कटिंग आप मैंने ले रखा है, अब इस कटिंग को हमको लगाने की बारी है। तो अभी देख रहे हैं छोटे छोटे मैंने पॉट ले रखा है। अभी इस छोटे छोटे पॉट में देखिए मैंने ये बना रखा है मिट्टी, और ये जो पोटिंग मिक्स मैंने बना रखा है, इस पोटिंग मिक्स मैंने क्या लिया है, मैंने इसमें मिट्टी लिया है, गोबर की खाद लिया है, सैंड लिया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें नीम की खली इसमें ऐड कर लिया है। दोस्तों ये बस चारों चीज़ों को मिला के आप बना सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि इन पौधे को बड़े पॉट में आपको कभी भी नहीं लगाना है। आप छोटे पौधे हैं तो इनको छोटे पॉट में लगाइए, और छोटे पॉट में दोस्तों लगाएंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है कि बड़े पॉट में आप इसे रीपॉट आप कर सकते हैं। अभी इस तरीके से अभी छोटे ही पॉट में लगाइए, तो हम सभी को दोस्तों लगा देते हैं। जो ज़्यादा छोटा है उसको छोटे पॉट में लगा देते हैं, और जो थोड़ा सा बड़ा है उसको हल्का सा बड़े पॉट में इसको लगा देते हैं। और इससे दोस्तों ये होगा कि आपके अपने गार्डन में खूब ढेर सारा एलोवेरा हो जाएगा तैयार। और दोस्तों गार्डन में अगर आप एलोवेरा नहीं लगा रखे हैं तो ज़रूर आप लगाएं, क्योंकि एलोवेरा का बहुत ही बेहतरीन आपके गार्डन में उपयोग होता है। और यहाँ तक दोस्तों ये बॉडी के ऊपर भी बहुत अच्छा ये काम करता है एलोवेरा का पत्ती। देखिए ये छोटा पौधा है, जो छोटा पौधा है इसको छोटे पॉट में इसे आप लगाइए। जो छोटा पौधा ये है तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। और दोस्तों सभी पौधे अच्छे तरीके से ये ग्रो हो जाएंगे, और इसको आप 2 से 3 महीने बाद इसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें भी हम लगा देते हैं। अब दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, आप इसमें दे दीजिए ये पानी। दोस्तों एक बचा हुआ इसमें भी लगा देते हैं हम। अब देखिए एक पौधे से आपके पास कितना पौधा तैयार हो गया। सभी ये बेबी प्लांट पड़े हुए हैं, और सभी बेबी प्लांट को आप ये तैयार आप कर सकते हैं। अब इसमें आपको पानी देना बहुत ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग जो इसकी कटिंग से तैयार करते हैं पौधे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कटिंग से कैसे पौधे तैयार करते हैं। ये तो हो गया बेबी प्लांट। उसके बाद कटिंग की अगर हम बात करें आपको, तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे इस पौधे की पत्तियां को हम ले लेते हैं और इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब दोस्तों कट करने के बाद होता है क्या कि बहुत लोग ये काम ये करते हैं कि इस तरीके से पत्तियों को कट कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से ये कर लेते हैं। और इसकी सच्चाई आपको हम बताते हैं, इस तरीके से कट कर लिया, और इस तरीके से हम भी ढेर सारे कटिंग तैयार कर लिए और कट कर लेते हैं, और आपको हम दिखाते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो होते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, एक ले लेना है इस तरीके का पॉट, और इस पॉट में आप मिट्टी भर लीजिए, सड़ी गोबर की खाद बस 50-50 करके दोनों करके इसमें आप भर लीजिए। उसके बाद इस कटिंग को इस तरीके से आप इसमें हल्का फ्रेश करके आप इसमें लगा दीजिए। देखिए ये कटिंग मैंने लगा दिया और लगा के कर दिया रेडी। अब इसमें हम दे देते हैं पानी, इस तरीके से हम पानी इस पे दे दें। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस जो तरीका है, इस तरीके से अगर कटिंग आप ग्रो करेंगे तो आपके गार्डन में कभी भी कटिंग ये ग्रो नहीं होगी। इस तरीके से जितने आपके यूट्यूब पे वीडियो हैं, बहुत लोग इस तरीके से कटिंग ग्रो करते हैं, इस तरीके से दोस्तों आप कटिंग ग्रो कर लीजिए, लेकिन ग्रो आपको कभी नहीं होगा। इसलिए कि 1 हफ्ता 10 दिन बाद देखेंगे जब इसको निकालेंगे तो निचला सिरा पूरा अच्छे तरीके से सूख जाएगा और ये ग्रो नहीं हो सकता। दोस्तों ग्रो होने का जो मात्र एक तरीका है, ये जो बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको
फर्टिलाइज आप करते रहते हैं तो हर मौसम में आपको बेबी प्लांट ये देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कभी भी आप भूल के भी कटिंग से पौधे तैयार ना करें, तैयार करेंगे तो ये इसका रिस्पांस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।